हाय दोस्तों, क्या हाल है आपके? मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल को ट्रैक्टर लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सर्दी का समय है और वो ज़्यादातर सर्दियों में ही काम आती है, जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। जानकारी ये देखिए, ये आपके ट्रैक्टर का इंजन है, ठीक है जी। ये डीजल पंप हो गया, ये वाटर सेपरेटर हो गया, ये इंजन है। अब बहुत से भाई क्या कर लेते हैं, इस इंजन में एक क्रैंक होती है जो मैन पुड़ जाए हमारे इंजन का, जिसमें रिंग और पिस्टन होते हैं और वो उसे ऊपर नीचे घुमाती है, ठीक है जी। अब ये देखिए, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, कर लीजिए अपना ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हमेशा स्टार्ट करने से पहले हाइड्रोलिक डाउन कर लीजिए, ठीक है जी, और न्यूट्रल कर लीजिए। ऐसे आपकी जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ पे बहुत ही जो है कम लोड आता है, लोड स्टार्टिंग लोड फ्री होती है और आपका कभी भी जो है सेल्फ ख़राब नहीं होता और आपकी बैटरी भी ख़राब नहीं होती है। बैटरी बॉक्स है WWE है। अब मैं इसमें सेल्फ मारता हूँ और आपको जानकारी बताता हूँ मैं क्या देना चाह रहा हूँ। आखिरकार पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है जी। ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट हो गया। बहुत से भाई क्या करते हैं, सिलो जो है कम करते हैं, मगर कभी भी अपने ट्रैक्टर की सिलो कम ना रखें। लगभग इतनी सिलो रखें जितनी फिलहाल 30 किलो, ठीक है जी। अब इसका मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेन पॉइंट ये है कि जैसे आप सिलो कम रखेंगे, ठीक है जी, इसकी जो क्रैंक है वो झटके से घूमेगी, झटके से झटके लेगी। और वो जब झटके से घूमेगी, सर्दियों के समय लोहा जो है टाइट रहता है, उसमें ज़रा से भी लचीलापन नहीं रहता और आपकी क्रैंक टूटने की पूरी संभावना है। जिस भाई की क्रैंक ट्रैक्टर ज़्यादा तोड़ता हो, ठीक है जी, उसका सबसे मेन पॉइंट यही है कि सर्दियों के समय अपने ट्रैक्टर की सीलो जो है करीबन 700 RPM रखे। बहुत से किसान भाई 400 रखते हैं, 300 भी रखते हैं और 500 रखते हैं, मगर सर्दियों के समय अपनी जो है सिलो के RPM 700 रखे, ज़्यादा से ज़्यादा RPM रखे, ताकि आपके ट्रैक्टर को क्रैंक को झटके ना लगे, ठीक है जी, और आपकी जो क्रैंक है सालों साल चलेगी। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी है, उम्मीद है किसान भाइयों आपको पसंद आई होगी। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।